क्वेश्चन नंबर 7, x बराबर साइन क्यू टी बटा अंडर रूट कॉस टू टी, y बराबर कॉस क्यू टी बटा अंडर रूट कॉस टू टी, एंड निकालना है dy बटा dx। ठीक है, VVI क्वेश्चन है, अगर इसके आंसर तक पहुंचा जाए तो। ऐसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन NCERT में अगर आंसर तक इस प्रश्न को किया जाए तब ये सवाल थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम पूरा आंसर तक करके इसको दिखाने वाले हैं, इसीलिए आप अंत तक देखिए। ये सवाल बहुत कम ही बच्चा बना पाता है, तो आप बनाने वालों में से रहिए। हालांकि इस सवाल में कोई दम नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा ना जाने क्यों इसको बनाना नहीं चाहता, ये तो बच्चा समझे। तो फिलहाल एक्स और वाई का वैल्यू टी के पदों में दिया गया है, तो हम टी को क्या कहेंगे, पैरामीटर कहेंगे बउआ। टी इज कॉल्ड पैरामीटर, टी पैरामीटर है, हिंदी में इसको प्राचल कहेंगे। इसका मतलब हमें एक्स और वाई का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं dy by dx इक्वल टू dy बटा dt बटा dx बटा dt। अब हमें बारी बारी से dy बटा dt, dx बटा dt निकालना है, दोनों का वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री यूज करूँगा और आंसर आपका आ जाएगा किताब के मुताबिक। इसको समीकरण एक मानकर स्टॉप होते हैं। चलिए, तो बाटा के ऊपर आपका कौन सा है, dy बटा dt, इसको निकालने के लिए हमें y को लेकर बढ़ना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग y को लेकर ही बढ़ते हैं। तो नाउ हमारा जो y है बउआ, वह है cos qt बाटा अंडर रूट cos 2t। तो यहाँ पे हम लोग log का प्रयोग करेंगे, चूँकि फंक्शन में पावर है, बाटा है, रूट है, बहुत सा झंझट है। और ज़्यादा फंक्शन में झंझट हो, झमेला हो, तो log लेकर उस झमेला को हम लोग आसान बना सकते हैं। तो सबसे पहले टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ log लेना है हमें। तो y में log लगाइए, तो log y पाइए, एंड RHS में भी log यूज कीजिए, तो log cos qt बटा अंडर रूट cos 2t। चलिए, अब ये तो log y अपने जगह पर रह गया बुआ, एंड यहाँ पे log m बटा n, तो log m बटा n क्या हो जाता है, log m माइनस log m, ये जो बाटा होता है वह माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो log m माइनस log n, n कौन है, रूट अंडर cos 2t। 5.5 पढ़ चुके हैं, उसमें ऐसा कई एक बार आप लोग इस्तेमाल किए होंगे। चलिए, अब ये पावर से गुना हो जाता है, तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे log y इक्वल टू, ये तीन आपका शुरू में आ जाएगा, 3 log cos t, एंड माइनस ये रूट को जब हम ख़त्म करेंगे बुआ, तो cos 2t का पावर कितना बनेगा, 1/2, log m का पावर n, n log m, ऐसा रूल होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं log y इक्वल टू 3 log cos t माइनस ये 1/2 पहले आ जाएगा, तो 1/2 log cos 2t। इस तरह से log का रूल इस्तेमाल किए तो हमारा सारा झंझट खत्म हो गया, बटा का झंझट, पावर का झंझट, रूट का झंझट, सारा झंझट खत्म करने का दवाई है लॉगरिथम। log का इस्तेमाल करिए डिफरेंशिएशन में, सारा झंझट खत्म। चलिए, अब हम t के रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव प्राप्त करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टी, log y का 1/y इंटू dy बटा dt, आगे आइए, 3 अपने जगह पर कॉन्स्टेंट है, तो log cos t, तो पहले log x का 1/x, x कौन है, cos t है, चलिए, एंड इंटू फिर cos t का क्या, तो माइनस में sin t, cos t का माइनस में sin t, माइनस उतार दीजिए यहाँ पर, 1/2 कांस्टेंट उतार दीजिए, इनटू लॉग एक्स का 1/x, यानी 1/cos 2t।
टूटी, फिर से कॉस टूटी का माइनस में साइन टूटी, माइनस में साइन टूटी, ठीक है, और इनटू टूटी का टू। चलिए प्यारे बच्चों, अब हमारा ये पैड भर चुका है, अब हम इसके आगे का यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइन टूटी है, घबराइएगा नहीं, ठीक है, कॉस टूटी का साइन टूटी। चलिए तो इसके आगे नेक्स्ट पैड देख सकेंगे आप लोग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बनाएंगे। तो अभी तक हमें क्या प्राप्त हुआ है उसको जरा मैं नोट कर लूँ, एक बटा वाई इंटू डी वाई बटा डी टी इक्वल टू थ्री इंटू एक बटा कॉस टी, एक बटा कॉस टी इंटू माइनस में साइन टी, ये मैंने लिख दिया, और माइनस एक बटा दो, बस ऊपर से मैं उस पैड पर से ही लिख रहा हूँ, तो ताकि इसको आगे बनाऊँ मैं, एक बटा कॉस टू टी इंटू माइनस में साइन टू टी, माइनस में साइन टू टी इंटू में टू, उसी लाइन को मैंने यहाँ पे रिपीट किया है। चलिए अब यहाँ से आगे इसको मैं बढ़ाता हूँ, एक बटा वाई इंटू डी वाई बटा डी टी इक्वल टू, यहाँ माइनस का चिन्ह पहले लिखिए, और साइन तीन लिखिए, माइनस थ्री, और साइन टी और बटा कॉस टी, ये मिलकर हो जाएगा टेन टी, यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा, ये दो से दो खत्म हो जाएगा, और साइन टू टी बटा कॉस टू टी मिलकर हो जाएगा टेन टू टी, फिर बटा में वाई है तो उस साइड शिफ्ट होगा बराबर के बाद, तो इनटू में चला जाएगा, एंड पहले से जो है माइनस में थ्री टेन टी प्लस टेन टू टी, इसको आप ज्यों कहते हो लिख दीजिए यहाँ पर, इस तरह से आपका डी वाई बटा डी टी कैलकुलेट हो गया। अब एक्स को लेकर बढ़िए, अगेन एक्स इक्वल टू, तो आपका एक्स इक्वल टू अपने क्वेश्चन में से भी देख सकते हैं, या हम अभी आपको दिखला देते हैं, यही तो क्वेश्चन है, एक्स बराबर साइन क्यू टी बटा रूट अंडर कॉस टू टी, तो हम एक्स का वैल्यू अभी लिखेंगे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में आया है, तो एक्स का जो वैल्यू है वह है साइन क्यू टी बटा रूट अंडर कॉस टू टी, यही है ना। चलिए तो इसको हमने अभी लिखने का काम किया है, एक्स इक्वल टू साइन क्यू टी बटा अंडर रूट कॉस टू टी। चलिए यहाँ भी फटाफट उसी तरह से टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लिया जाएगा, तो एक्स में लॉग लगावेंगे तो लॉग एक्स हो जाएगा, एंड बराबर के बाद भी लॉग लगाइएगा तो लॉग साइन क्यू टी बटा अंडर रूट कॉस टू टी हो जाएगा। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते रहिए, लॉग एक्स इक्वल टू लॉग एम बटा एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग साइन क्यू टी माइनस लॉग रूट अंडर कॉस टू टी, यहाँ तक हम लोग आ गए। उसी तरह से लॉग एक्स इक्वल टू, यहाँ से तीन पावर पहले आ जाएगा लॉग के रूल से, तो थ्री लॉग साइन टी बन जाएगा ये, माइनस ये रूट हटेगा तो पावर में एक बटा दो जाएगा, जो लॉग के नियम से शुरू में आ जाएगा, पीछे भी बताए थे लॉग कॉस टू टी। चलिए लॉग के रूल से इसको सॉल्व कर दिए तो फंक्शन इजी हो गया, बटा भी ख़त्म, पावर भी ख़त्म, रूट भी ख़त्म, तो झंझट को ख़त्म करने का दवाई है लॉग लीजिए, ये लॉग एक्स है। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव करेंगे अभी, तो लॉग एक्स का एक बटा एक्स इंटू डी एक्स बटा डी टी हो गया, बराबर तीन कांस्टेंट
अपने जगह पर, लॉग एक्स का एक बटा एक्स, एक्स है साइन टी, इंटू फिर साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, माइनस का चिन्ह दीजिए, एक बटा दो लिखिए, एंड लॉग एक्स का एक बटा एक्स यानी एक बटा कॉस टू टी, फिर कॉस टू टी का माइनस में साइन टू टी, माइनस में साइन टू टी, एंड टू टी का टू। चलिए अब यहाँ पे दो से दो कट रहा है, काट दीजिए, एक बटा एक्स इंटू डी एक्स बटा डी टी इक्वल टू, यहाँ पे तीन अपने जगह पर है और कॉस टी के बटा में साइन टी है, तो ये बन जाएगा कॉट टी, ये माइनस गुना माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस पीछे की तरह, एंड साइन टू टी बटा कॉस टू टी मिलकर हो जाएगा टेन टू टी, फिर तो बटा में एक्स है ये, तो उस साइड शिफ्ट होगा तो गुना में चला जाएगा, तो डी एक्स बटा डी टी का जो वैल्यू है ये एक्स उस साइड चला गया है, तो बच गया है थ्री कॉट टी प्लस टेन टू टी। चलिए इस तरह से आपका डी एक्स बटा डी टी भी कैलकुलेट हो गया, एंड पिछला पैड पर आपका डी वाई बटा इसी पैड पर डी वाई बटा डी टी भी कैलकुलेट हो चुका है, देख लीजिए डी वाई बटा डी टी भी कैलकुलेट हो चुका है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम कहाँ बैठाएंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट में, देखिए ये पेज है हमारा शुरू का, यहाँ से हम लोग चले थे, तो डी वाई बटा डी एक्स के लिए डी वाई बटा डी टी में डी एक्स बटा डी टी से भाग देना है, तो डी वाई बटा डी टी भी आपने कैलकुलेट किया, डी एक्स बटा डी टी भी कैलकुलेट किया, अब दोनों मान को पुट कीजिए, ऊपर का मान ऊपर, नीचे का मान नीचे, फिर उसको ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से थोड़ा सोल्व करेंगे, बस इसका आंसर आ जाएगा। चलिए तो कुछ देर और मेरे साथ बने रहिए और हम इसका आंसर निकाल कर आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये रहा तीसरा पैड, घबराने का नहीं सीखने का भाई। पैड पे पैड। अब हम फ्रॉम फर्स्ट में वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, पूरा पसीना से हाथ भी भीग गया है भाई, गर्मी काफ़ी गर्मी। चलिए तो फ्रॉम फर्स्ट आते हैं, फ्रॉम फर्स्ट में हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी बाटा डी एक्स बाई डी टी ऐसा है। अब बराबर दीजिए, डी वाई बटा डी टी का वैल्यू हमें आ चुका है वाई इंटू माइनस में थ्री टेन टी, माइनस में थ्री टेन टी प्लस में टेन टू टी, प्लस में टेन टू टी, ये तो डी वाई बटा डी टी का वैल्यू हुआ। बटा के नीचे आइए, डी एक्स बटा डी टी का वैल्यू आया था एक्स इंटू थ्री कॉट टी प्लस टेन टू टी। अगर आप एग्जाम में इतना भी बनाकर छोड़ देंगे तो आपका काम चल जाएगा, बट अगर आप आंसर देखेंगे तो माथा चकरा जाएगा भैया। तो आंसर के महत्व के कारण ही इस क्वेश्चन का महत्व बढ़ गया है, अदरवाइज ये सवाल तो इसी जगह ख़त्म हो गया, क्योंकि जब आपका डी वाई बटा डी एक्स निकल गया तो कहानी ख़त्म हो गया। लेकिन अभी कहानी ख़त्म आप मत मानिए, क्योंकि हम इसका पूरा का पूरा आंसर मिलाकर बताने जा रहे हैं, इसका आंसर तक हम लोग पहुँचने का प्रयास करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, तो वाई और एक्स का वैल्यू डालिए, देखिए वाई y जहाँ होगा तहाँ cos क्यू टी बटा रूट अंडर cos टू टी डालेंगे, और जहाँ x होगा, देखिए यहाँ पर x है तो x के जगह हम sin क्यू टी बटा रूट अंडर cos टू टी डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले कहानी शुरू होगा कि अब आप डालिएगा y का वैल्यू, तो y का वैल्यू बटा के ऊपर डालिए, cos क्यू टी बटा अंडर रूट cos टू टी, और y के साथ साथ माइनस में थ्री टेन टी प्लस टेन टू टी लिख दिया गया है चुपचाप। चलिए ये x है ना, तो x का वैल्यू आपका क्वेश्चन में दिया गया है साइन क्यू टी बुआ, साइन क्यू टी, एंड बाटा के नीचे अंडर रूट कॉस टू टी, कॉस टू टी, और इसके साथ है थ्री कॉट टी प्लस
टेन टू टी। देखिए यहाँ कॉस टू टी से कॉस टू टी का कहानी तो हो गया ख़त्म, खत्म तो खत्म। आ कॉस के बटा में अगर साइन है तो वो हो जाता है कॉट, पावर में तीन है तो तीन रहेगा, एंगल में टी है तो टी रहेगा। अब आपके पास बचता है माइनस में थ्री टेन टी, माइनस में थ्री टेन टी ये वाला, प्लस में टेन टू टी, एंड बटा के नीचे बुआ थ्री कॉट टी प्लस टेन टू टी। ठीक है, इतना तक आ चुके हैं। अब हम लोगों को धीरे धीरे ट्रिगोनोमेट्री का हेल्प लेना है और इसके आंसर तक पहुंच जाना है। तो चलिए ये कॉट क्यू टी पहले लिखिए, आप कॉट क्यू टी लिखिए, माइनस में थ्री टेन टी लिखिए। टेन टू थीटा का सूत्र पढ़े होंगे आप लोग, टू टेन थीटा बटा टू टेन थीटा, यहाँ पर टी है, टू टेन थीटा बटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर टी। ये टेन टू टी के चलते हमने लिखा। चलिए ये बीच वाला बटा दे दीजिए, थ्री का थ्री और कॉट थीटा का सूत्र है एक बटा टेन थीटा, तो ये टेन टी हो गया है। प्लस फिर तो ये टेन टू टी है, ऊपर भी टेन टू टी था, नीचे भी टेन टू टी है, तो वही चीज़ लिखिए, टू टेन टी बटा के नीचे आइए एंड एक माइनस टेन स्क्वायर टी डालिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बुआ, ये तो बाहर में आपका कॉट क्यू टी उतर जाएगा, थ्री टेन टी के बटा में कुछ नहीं है तो वन, तो यहाँ पर वन और वन माइनस टेन स्क्वायर टी का क्या करिएगा, एलसीएम लीजिएगा, तो वन माइनस टेन स्क्वायर टी ही रहेगा। चलिए ये भिन्न का जोड़ बन रहा है। अब माइनस थ्री टेन टी को, माइनस थ्री टेन टी को किससे गुना करना है, एक माइनस टेन स्क्वायर टी से गुना करना है, एंड प्लस के बाद टू टेन टी है तो टू टेन टी रह जाएगा। चलिए अब बाटा के नीचे भी वही काम करना है, टेन टी और वन माइनस टेन स्क्वायर टी का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर टेन टी इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर टी हो जाएगा। अब टेन टी से टेन टी कटेगा तो तीन का गुना किससे हो जाएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर टी के साथ गुना कर दिया जाएगा, प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर टी से वन माइनस टेन स्क्वायर टी कटेगा तो टेन टी बचेगा। अब टेन टी से टू टेन टी को गुना करेंगे तो टू टेन स्क्वायर टी हो जाएगा। चलिए अब फिर हम नेक्स्ट पैड लेकर आएंगे आगे के प्रोसेस को दिखाने के लिए। तो चलिए इतना तक आप लोग नोट कर लिए होंगे, अब आप लोग अगले पैड पर आगे का तमाशा देखेंगे। चलिए आइए इसको हम बाहर निकालते हैं। चलिए घबराएंगे नहीं भाई, सवाल का साइज ही कुछ ऐसा है, मैं क्या करूं। तो यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स बराबर चल रहा है, जो कि ऐसा है कॉट क्यू टी एंड माइनस का थ्री टेन टी, इसके इनटू में था वन माइनस टेन स्क्वायर टी, वन माइनस टेन स्क्वायर टी प्लस में टू टेन टी, प्लस में टू टेन टी, और बटा के नीचे था एलसीएम वाला वन माइनस टेन स्क्वायर टी, फिर गुना का चिन्ह देंगे और नीचे वाला को ऊपर भेज देंगे तो टेन टी इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर टी, वन माइनस टेन स्क्वायर टी। ठीक है, बटा के नीचे तीन गुना, तीन गुना वन माइनस टेन स्क्वायर टी, वन माइनस टेन स्क्वायर टी प्लस टू टेन स्क्वायर टी, प्लस टू टेन स्क्वायर टी, ये ब्रैकेट बंद हो गया इधर से भी। चलिए अब क्या करोगे, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को उड़ा दीजिए, सेम टू सेम है। अब आइए इधर कॉट क्यू टी लिखिए, इनटू में
अब माइनस तीन टेन टी से एक में गुना करिएगा तो माइनस में तीन टेन टी ही रहेगा, अब माइनस गुना माइनस करिएगा तो प्लस में हो जाएगा थ्री टेन क्यू टी, थ्री टेन क्यू टी, अब प्लस के बाद तो टू टेन टी है ही है, तो ये लिखाएगा टू टेन टी। चलिए बाटा के नीचे आइए, तो यहाँ पे ये कट गया है तो एक लिख दीजिए इन टू, यहाँ पर टेन टी बचा हुआ है एंड बाटा के नीचे तीन में एक से गुना होगा तो तीन, तीन में टेन स्क्वायर टी से गुना होगा तो तीन टेन स्क्वायर टी, और प्लस के बाद टू टेन स्क्वायर टी है लिखा जाएगा। चलिए अब इसको आगे बढ़ाइए, कॉट के पावर तीन है उसको ऐसा लिख सकते हैं एक बटा टेन क्यू टी, लिख सकते हैं एक बटा टेन थीटा कॉट थीटा होता है। अब देखिए तीन टेन क्यू टी पहले उतार दीजिए बड़ा पावर वाला को, तीन टेन क्यू टी, आ दो गो टेन टी में से तीन गो टेन टी घटेगा तब माइनस में ए गो टेन टी बचेगा बउआ, अब बाटा के नीचे कौन है तो एक है, गुना का चिन्ह दीजिए, ये टेन टी अपना जगह को पकड़े हुए रहेगा। बाटा के नीचे आइए, यहाँ पे तीन लिखिए, आ दो गो टेन स्क्वायर टी में से तीन गो टेन स्क्वायर टी घट जाएगा तब माइनस में ए गो टेन स्क्वायर टी बच जाएगा। अब प्यारे बच्चों ई टेन टी से इसका क्यू कट कर स्क्वायर हो जाएगा, इतना तो मालूम है आप लोगों को, देखिए 12 पास होने जा रहे हैं तो थोड़ा सा कैपेसिटी बना के रखिए। अब बचा एक बटा टेन स्क्वायर टी, ठीक है। चलिए अब यहाँ दोनों में से टेन हम कॉमन लेते हैं, टेन टी कॉमन लेते हैं तो थ्री उतर जाएगा, और टेन के पावर तीन है एगो टेन बाहर हुआ तो टेन स्क्वायर लिखा जाएगा, टेन टी में से टेन टी कॉमन लेंगे तो वन ही बचेगा। चलिए बटा के नीचे तीन माइनस टेन स्क्वायर टी, चलिए यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ फिर टेन टी से इसका स्क्वायर काट देंगे, अब एगो टेन बच गया है, अब ऊपर बच रहा है थ्री टेन स्क्वायर टी, थ्री टेन स्क्वायर टी माइनस वन बाटा, ये टेन टी से तीन में गुना होगा तो तीन टेन टी, अब माइनस देकर टेन स्क्वायर में टेन से तो टेन क्यू टी। चलिए अब हम ऊपर से माइनस कॉमन लेते हैं, ये माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वन माइनस तीन टेन स्क्वायर टी हो जाएगा, वन माइनस तीन टेन स्क्वायर टी हो जाएगा, अब बाटा में थ्री टेन टी माइनस में टेन क्यू टी है, ये आपने जगह को रहेगा। अब बच्चों एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ए बटा बी को क्या आप लिख सकते हैं एक बटा बी बटा ए, सोचिएगा ज़रा मन में, क्या आप ए बटा बी को एक बटा बी बटा ए लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो अब ऐसा ही कुछ करेंगे, इस पूरे को ए समझ लीजिए, इस पूरे को बी समझ लीजिए, तो ए बटा बी को हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं मैथ में, माइनस तो पहले से बाहर है, एक बटा बी बटा ए, तो थ्री टेन टी, थ्री टेन टी माइनस टेन क्यू टी माइनस टेन क्यू टी एंड बाटा में ए, मतलब एक माइनस थ्री टेन स्क्वायर टी, थ्री टेन स्क्वायर टी। चलिए अब अगर आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं तो बताइए बताइए कि थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटा वन माइनस तीन टेन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो गारंटी के साथ ये टेन थ्री थीटा का सूत्र होता है, थीटा यहाँ पर टी है, और एक बटा टेन थीटा क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, ये तो माइनस पहले से आ रहा है, एक बटा टेन थीटा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा कौन है तो थ्री टी। इस तरह से प्यारे बच्चों आपका ये आंसर हो गया, तो उम्मीद करता हूँ कि इसको हम थोड़ा सा लॉन्ग करके बतलाए हैं लेकिन सवाल को आंसर तक मिलाकर बतलाए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से वीडियो को सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि हम वीडियो को लॉन्ग करके बनाते हैं ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा उसको आसानी से सीख सके। थैंक यू सो मच।